एक और खबर लेते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी भील महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पढ़ियार कुंभलगढ़ विधानसभा से कांग्रेस को टिकट की दावेदारी कर चुके हैं और भील समाज पर अच्छी पकड़ होने के चलते नरसिंह पढ़ियार प्रदेश में अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस के पक्ष में दौरे कर रहे हैं। बाड़मेर के गुड़ा मलानी में रामचिका गोल में नरसिंह पढ़ियार ने भील समाज की बैठक में हिस्सा लिया और पढ़ियार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लोड़ाराम दर्जी ने। कांग्रेस से कुंभलगढ़ से टिकट की दावेदारी कर चुके कांग्रेस के नेता नरसिंह पढ़ियार अब प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भी दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन में अलग अलग जगहों का दौरा कर फीडबैक ले रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है नरसिंह जी, किस तरीके का फीडबैक आपको मिलता है? मेरे को अभी मैं कल बाड़मेर जिले के दौरे पर था तो वहाँ भी लोगों की अच्छी भावना है कांग्रेस के प्रति और लोग चाहते हैं कि अब की परिवर्तन हो और कांग्रेस सत्ता में आवे ताकि जो पिछले पाँच साल में जो जनता के विकास के कार्य होने चाहिए थे जो नहीं हुए, ताकि लोगों की भावना है कि कांग्रेस पार्टी ही मतलब एक सच्ची पार्टी है और वही पार्टी लोगों के हित के कार्य कर सकती है। नहीं कहीं को ये खाली ढकोचला है, बातें करते हैं, बाकी हकीकत धरातल पे कुछ काम है ही नहीं। और विशेष तौर से हमारे मतलब भील समाज और SC ST के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, ये 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो भील समाज या SC के समाज को कह सके कि हमारा ये विकास हुआ या हमारी ये सुविधाएं बढ़ी। जैसा था वैसे का वैसा है, अभी नया कोई SC और ST के लिए तो हुआ नहीं और वहाँ पैसे वाले का खेल है, बाकी गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लोणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।